अवनि अवनि क्या हुआ तुझे? तू तू चल डॉक्टर के पास चलते चल। नहीं नहीं अली, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अली मुझे नील से बात करनी है। नील मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। अली मुझे दवाई दे दे प्लीज। हाँ मैं ये ले लूंगी, तू पानी दे दे प्लीज। हाँ मैं एक सेकंड मिला। सूप में जरूर कुछ मिला हुआ था कि सुबह से मुझे उल्टियां हो रही है। और बेबी ही नहीं, दीदी और पुलिस स्टेशन में भी सब लोग यही समझ रहे हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सर आपके घर से 100 नंबर पे कॉल आया था, कोई इमरजेंसी है, सोचा आपको इन्फॉर्म करूं। इमरजेंसी? आगे से लेफ्ट लो, घर जाना है, जल्दी लो। अबली पानी पानी। मेरा फोन। फोन वोन से बात नहीं हो जाएगा, तू तू बाद में बात कर, तू पहले दवाई खा। नहीं फोन काट दिया, आखिर प्रॉब्लम क्या है? मैं दवाई खा लूंगी पर पहले मुझे नील से बात करनी है। अम्मी ऐसी क्या बात करनी है तूने कि नील तेरा फोन नहीं उठा रहा और तू उससे बात करने के लिए मरे जा रही है? तू यार पहले पहले दवाई खा, ये फोन वोन से बाद में हो जाएगा, समझी? अली तू समझ नहीं रहा है यार, बेबी को लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ इसलिए तो वो शॉपिंग पे गई है। तू प्रेग्नेंट है? अम्मी क्या ये सब, ये सब लोगों को क्यों लगता है कि तू प्रेग्नेंट है? क्या चल रहा है बोलना। ऑफ कोर्स प्रेग्नेंट नहीं हूं मैं, ये तो मुझे नील को बताना है, सबको लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूं। अली तू हट। अवनी 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 तू ठीक है? अवनी 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 तू ठीक है? अवनी आराम से। अम्मी बाहर क्या चले गए? घर में ये सब शुरू कर दिया तुमने? छी 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 छी, शर्मानी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं जैसा आप समझ रही हैं। तो फिर कैसा है? ऐसा कुछ नहीं है तो फिर तेरी ये शर्ट पर लिपस्टिक का निशान कैसा है? अंधे नहीं है अमाली, कुछ दिख रहा है हमें, और जो सामने है ना वो ही सच्चाई है। उस पर पर्दा डालने की कोशिश मत कर तू। आंटी आप अनन्या की हालत देखिए, आप वो बीमार है, आप लोग उसका हाल पूछने की जगह आप सब लोग उसके ऊपर घिनौना इल्जाम लगा रहे हैं। अनन्या बीमार है, मैं सिर्फ उसका साथ दे रहा हूं, आप सब लोगों की तरह नहीं कि उसे बीमारी में अकेला छोड़ दिया मैंने। वाह 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 वाह, अगर इतनी ही बीमार थी तो फिर हमें बुला लिया होता ना भाई, लेकिन नहीं, मौका मिला और अपने यार को बुला लिया अपने पास। सच बताओ अनन्या, तुम दोनों के बीच में ये चक्कर कब से चल रहा है? चलिए हम बाहर चलते हैं, इट्स अ फैमिली मैटर। चुप क्यों हो? मैं कुछ पूछ रही हूं तुमसे, जवाब दो। कब से चल रहा है तुम्हारा ये याराना? हमारे परिवार ने तुम्हें अपनाया, तुम्हें सहारा दिया और तुमने ही हम सब के मुंह पे कालिक पोत दी। पता नहीं क्या संस्कार दिए इसकी माँ ने। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो लगता है ये एक गंदी परवरिश का ही नतीजा है। स्टॉप इट मॉम।